मैं अभी मेरी न्यू टाटा अल्ट्रोज में, जिसके लिए मैंने एक वीडियो डाला था ब्लॉगर गुजरात वाला में, तो टाटा अल्ट्रोज का मैंने उस वीडियो में आपको सब कुछ बताया था, बाइंग था और सर्विस के बारे में बताया था क्या क्या फ्री मिलता है। तो अभी मैं मेरी टाटा अल्ट्रोज के साथ आ गया हूँ नैरो गेज म्यूज़ियम, देख सकते हैं आप नैरो गेज म्यूज़ियम। ये नैरो गेज म्यूज़ियम नागपुर में बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं नैरो गेज रेल म्यूज़ियम, रेलवे म्यूज़ियम है ये। और पूरा किस तरह से देखिए आप, स्टेशन कंप्यूटराइज रेलवे सेंटर नागपुर बनाया गया है। ये इस तरह का ये रिजर्वेशन सेंटर है एक्चुअल वाला, जहाँ पे लोग रिजर्वेशन करते हैं, जो आप ए सी वगैरह के स्लीपर वगैरह के रिजर्वेशन करते हैं। म्यूजियम के लिए आपको जो है वो यहाँ से टिकट मिलेगी, वहाँ से आपको टिकट मिलेगी। टिकट की प्राइजेज मैं आपको बता देता हूँ, टिकट की प्राइजेज यहाँ पर देंगी, ये टिकट की प्राइजेज है। और ये टाइमिंग है, आप टाइमिंग भी देख सकते हैं, 25 पर एडल्ट, तो उस तरह का कुछ टिकट रहेगा। ये साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे नैरो गेज रेल म्यूजियम नागपुर, इस तरह से ये टिकट रहेगा। निकू सैम भी है, निकू सैम अपनी टिकट देख रहा है किस तरह से टिकट है। तो इस तरह का कुछ एंट्रेंस रहेगा, और वहाँ पे जो हम जीरो माइल मेट्रो स्टेशन देखते हैं, देखिए जीरो माइल मेट्रो का वो भी दे रखा है, जीरो माइल मतलब यहाँ पे जो है मेट्रो स्टेशन है जीरो माइल। तो आप देखिए यहाँ पे जीरो माइल का आपको यहाँ पे ये दे रखा है, आइए मैं अंदर मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है इधर। ये नागपुर में अगर कोई घूमना चाहता है रेलवे से रिलेटेड कुछ देखना चाहता है, बिकॉज मेरे फादर को खुद वेस्टर्न रेलवे में थे, तो ये हमको थोड़ा एक अच्छा वाइब देगा, और मैं तो सभी को अच्छा वाइब देगा, बच्चों लोगों के लिए और सबके लिए। तो लेट्स चलते हैं ये घूमने के लिए, आज संडे भी है तो क्या बात है। नैरो गेज नाम दे रखा है और एलियट का एसी लगा रखा है, क्या बात है यार, ये तो मतलब नए ज़माने की नैरो गेज यार, जिसमें हमको एसी वगैरह दे रखा है, सुपर नाइस। तो इस तरह का आप देखिए पुराना ये दे रखा है एनजीपी, और इस तरह से काफ़ी बीएनआर हाउस, एक पूरा सर्कल बनता है इस तरह से, एक इस तरह से सर्कल बन रहा है पूरा, देखिए आप ये, आई थिंक सो ये जैसे कि ये जो होटल्स वगैरह रहते हैं नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, और वो गोल घूमते हैं इस तरह से राउंड के टाइप में, तो इस तरह से मुझे ये कुछ लग रहा है ये गोल घूमता होगा ये इस तरह। हालांकि अभी पता नहीं इसे बंद कर रखा होगा, मे बी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बंद कर रखा होगा। तो देखिए अच्छा नज़ारा, अच्छा लग रहा है, नाइस जो है, अगर ये घूमता होता तो और कितना मस्त होता है, इस तरह से अगर ये घूमता सुपर लगता। तो ये देखिए इस तरह से है, यहाँ पे भी एलियट का एसी लगा रखा है, ओके यहाँ पे लिखा हुआ है इसका नेम प्लेट घूमता रेस्तरा रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट, वेरी गुड रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट। निकू सैम अभी बैठा हुआ है, निकू सैम हाँ मुझे बुला रहा है, ये इस तरह से स्टीम इंजन।
देखिए अंदर का इस तरह से तो ये रहा यहाँ पर मेको आज गार्ड से मिलेंगे। तो ये रहे मेको सैम आज गार्ड से मिलेंगे। जो है फर्स्ट टाइम ये बड़ी स्लाइड में आ रहा है, देखते हैं बड़ी स्लाइड कैसी है। ये एक पुराने टाइप का फाटक दे रखा है। ये ट्रेडिशनल में वो दरवाजे टाइप पहले रहता था, ये अभी नया मॉडर्न टाइप का। और ये वैगन वगैरह भी देख सकते हैं आप, वैगन वगैरह रखे हुए हैं। ये ग्रीन कलर का सेम ही थोड़ा एक टच देने की कोशिश कर रही है। देखिए ये वैगन वगैरह दे रखा है और कोच वगैरह बंद है, अभी रिजर्वेशन मेरा हुआ नहीं है अभी शायद तक। ये देखिए ये निर्माता मैसूर कार्यशाला इस तरह से। ये देखिए पोस्टल वैन भी दे रखी है आपको यहाँ पे। छोटी बात बस, पोस्टल वैन कहते हैं जो हम पोस्ट ऑफिस में जो हम पोस्ट करते हैं और वो बाय रेल के थ्रू जाता है। तो आरएमएस का जो डब्बा होता है, रेलवे मेल सर्विस आरएमएस का जो डब्बा होता था दिल्ली मेल में, जो हमारे वहाँ पे ट्रेन आती थी महसाना में, तो कुछ रेड कलर का इस तरह से आता था। तो हम उसमें जब फॉर्म भरा करते थे रेलवे का या गवर्नमेंट एग्ज़ाम का, तो हम लोग डायरेक्ट देते थे। वो दिन भी क्या दिन थे। देखिए बहुत ही प्यारा है, अच्छा एक अच्छा दे रहा है। लेट्स सी, अब मैं आपको लेके चलता हूँ सेम कैबिन यूजर इसी क्लास टीम लोग के कैबिन में। ये देखिए यहाँ पे टाइटल दे रखा है, छोटी लाइन रेल संग्रहालय नैरो के रेल म्यूजियम लिखा हुआ है यहाँ पर। और इस तरह से यहाँ पे सर भी बैठे हुए हैं। और ये देखिए एग्जीबिशन ग्लास डिस्प्ले बॉक्स, कृपया प्रदर्शित वस्तु वो कांच के बॉक्स को ना छुए। और ये देखिए हम आ गए हैं, कुछ पुरानी फ़ोटोज़ वगैरह दे रखी है, पुराने बहुत पुराने इंस्ट्रूमेंट दे रखे कि किस तरह से यूज़ होते थे, वैक्यूम एग्जॉस्टर असेंबलिंग वॉइस ट्रांसमिशन ओवरहॉलिंग होगी एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स, मतलब ट्रेडिशनल में पुरानी तरह से यहाँ पे। और ये देखिए आप आजकल देखते होंगे IRCTC के ये रहे कोचिज और वैगन, नैरो गेज कवर वैगन कहते हैं इसे, नैरो गेज कवर वैगन है ये। नैरो गेज ये द्वितीय श्रेणी के कोच उस तरह से थे। फिर नैरो गेज डाइनिंग यान टेंजिंग नॉर्गे, आई थिंक सो ऐसे ब्लू कलर के आपको दार्जिलिंग वगैरह में ऐसे जो कोच है वो आपको दार्जिलिंग वगैरह में दिखेंगे। ये है इस 8 पहियों वाले ऑयल टैंकर का उपयोग तरल पदार्थ जैसे तेल इत्यादि ऐसे लिक्विड इसमें कार्गो जाते हैं। फिर ये नैरो गेज VFR वैगन, इसमें मोस्ट ऑफ देखते रहते हैं मिलिट्री के सामान वगैरह भी काफ़ी, तो काफ़ी कुछ जाता है। मोस्ट ऑफ हम लोग मिलिट्री की टीम जा रही होती है, इस तरह से पूरा टैंक वगैरह जा रहे होते हैं। और ये रहा गार्ड का जो
गार्ड एवं लगेज यान। गार्ड भूल द गार्ड इस तरह से नाम रखा गया है और लिखा हुआ है सेलिब्रेटिंग 150 ग्लोरियस ईयर्स ऑफ रेलवे इन इंडिया। भूल द गार्ड इस तरह से नाम दिया गया है इनको, जो एलिफेंट है तो इस तरह से इनका नाम दिया है। और साउथ ईस्टर्न रेलवे का लोगो बंगाल एंड नागपुर 5 बंगाल 1916 स्टेपफोर्ड इंग्लैंड मैन्युफैक्चर्ड बाय बंगाल लिमिटेड स्टेपफोर्ड इंग्लैंड। ये फिर से होलू गार्ड मॉडल दे रखा है यहाँ पर। तो कुछ इस तरह का रहता था, डीजल इस तरह से आता था और ये पीछे से पुश होता था एक, जैसे अभी दिख रहा ही होगा आपको, आप देखते भी होंगे। तो उसको कनेक्ट करने के लिए वो जो स्टीम इंजन है वो पुश करता है वहाँ से, और एक यहाँ पे जो है गैंगमैन जो कहते हैं वो इनको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से इस तरह से ये कनेक्ट होता है। ये जो चीज़ है यहाँ पर बहुत अच्छा, एक पानी का भी वो दे रखा है, एक रियल टच। ये इस तरह से काफ़ी हैवी है, मतलब ये पूरा एकदम रियल ही बना के रखा हुआ है, काफ़ी हैवी है। ये जो है ये तो कनेक्ट होता है और फिर ये भोलू गार्ड फिर से आ गए यहाँ पर। डीजल इंजन, इंजन 6 सिलेंडर इन लाइन 700 HP एट 1000 RPM, निर्माता पी जर्मनी। अभी देखे और ये रहा यहाँ पे रेल पथ निरीक्षक इतवारी छोटी लाइन। यहाँ पे जो इंजीनियर लोग जो होते थे, इंजीनियर्स लोग कुछ गैंगमैन को लेकर, कुछ अपने सपोर्टर्स को लेकर, कुछ अपनी टीम को लेकर, वो कुछ इस तरह से जाते थे लाइन को चेकआउट करने के लिए। मुझे इतना आइडिया नहीं है, मुझे पता नहीं है कैसा ही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा, बट वो चेक करने जाते थे इस तरह से अगर कुछ प्रॉब्लम होता था। एक अलग अलग LBS दे रखा है, इस तरह से LBS डबल हेडेड, ये अलग अलग लाइन के जो एक पार्ट दे रखे हैं उसको बता रखा है, डिस्क्राइब कर रखा है LBS है। और ये हम देखते होंगे पहले, अभी भी है ही IPS कॉन्क्रीट स्लीपर, कॉन्क्रीट स्लीपर कहा जाता है इसको, ये रेलवे की भाषा में इसको ऐसा लिखा गया है। ये देखते हैं कॉन्क्रीट स्लीपर कहा गया है इसको, ये आपको नाम थोड़ा दिखेगा नहीं, इसमें लिखा हुआ है कॉन्क्रीट स्लीपर। इस तरह से ये कुछ टूल्स हैं, ये कुछ फिश टेल है लिखा हुआ है यहाँ पर, फिश टेल। ये क्रेन गेज, ट्यूब वेल होल्स, इंस्पेक्शन करने के लिए जाते थे, सही वर्ड ये है इंस्पेक्शन करने जाते थे। और ये टूल्स है कुछ फ्लोट बॉल,
ओपन क्रॉसिंग ऑफ नैरो गेज एंड ब्रॉड गेज एट इतवारी यार्ड। अभी जो नागपुर में डायमंड क्रॉसिंग है, आई थिंक सो वो मैं अभी देखने तो नहीं गया, बट वो वही है कि नहीं देखना पड़ेगा। इंस्ट्रूमेंट देखिए किस तरह से रखे हुए हैं यहाँ पर। शिकारा स्टेशन, वाओ कितना अच्छा लग रहा है। तो पुराने टाइम में इस तरह से होता होगा ये टिकट काउंटर। टिकट काउंटर है देखिए, शिकारा स्टेशन टिकट काउंटर। पुराने टाइम पे इस तरह से था टिकट काउंटर। फिर टिकट ट्यूब आई। अच्छा ओके, इस तरह से वो जो टिकट देते थे, हाँ यस। इस तरह से वो टिकट देते थे। मैंने भी इस तरह की टिकट पे ट्रैवल करा हूँ। ये टिकट रख दी अगर आपको ध्यान हो तो, काश मैंने भी वो टिकट संभाल के रखी होती। इस तरह की टिकट जो है, टिकट ट्यूब फॉर प्रिंटेड कार्ड टिकट। तो इस तरह से वो मशीन रहती थी, ये मशीन रहती थी ऐसे, इस तरह से कुछ मशीन था ये। यहाँ पे भी इसका एक सैंपल दे रखा है। पुरानी किताबें, ये ट्रेन की जो वर्किंग टाइम टेबल है, ये तो मेरे फादर के रेलवे में थे। तो हमें एक छोटा सा ब्रिज दे रखा है यहाँ पे, लिखा हुआ है यहाँ पर नर्मदा ब्रिज। गाइस तो ये नर्मदा ब्रिज लिखा हुआ है यहाँ पे। हम लोग पटरियाँ चलते थे पहले स्कूल के टाइम पे। हम स्कूल के टाइम पे जब जाते थे तो पटरियाँ चल के जाते थे। और मेरा तो जो स्कूलिंग वगैरह रहा है और कॉलेज वगैरह रहा है, मतलब स्कूलिंग तो खास करके, तो हम लोग रेल वगैरह क्रॉस करते हुए स्कूलिंग जाते थे इस तरह से। तो मुझे मेरे जो स्कूलिंग डेज है, मैं महसाना में मेरा स्कूलिंग हुआ था, तो हम लोग स्कूलिंग वगैरह जो है ऐसे रेल की पटरियाँ क्रॉस करते हुए इस तरह से हम लोग जाते थे। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा एक बना रखा है, जीरो माइल। एक्चुअली जीरो माइल यहाँ पे मेट्रो स्टेशन है नागपुर में। बहुत अच्छा लुक बना रखा है। ये देखिए टिकट, देखिए हम लोग को कोई टिकट पूछता था तो हम लोग बोलते थे सर स्टाफ है, तो टिकट परीक्षक। पर अभी आजकल ऐसा रूल हो गया है कि आप स्टाफ हैं तो आपके पास पास होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी अपग्रेड हो गए हर चीज़ में, हर चीज़ हो गई, अपग्रेड हो गई है। कम्युनिकेशन अपग्रेड हुआ है, ट्रेडिशनल से मॉडर्न कम्युनिकेशन में आए हैं। तो सबसे बोलता है, हम बोलते थे कि सर हम लोग रेलवे स्टाफ से हैं, हम स्टाफ वाले हैं, तो हमें टिकट नहीं पूछा जाता था। तो पर हम ऐसा कुछ नहीं, जो है वो एक्चुअल में है हम लोग वही बताते हैं, बिकॉज यही है कि हमें, हम भले ही रेलवे में थे हमारे पास, हमें रूल्स और रेगुलेशन सभी को बताया जाता था कि ये करना है, ये करना नहीं चाहिए इस तरह से। तो ये देखिए कितना बेहतरीन सीन लग रहा है। आइए हम यहाँ पे ज़रा बैठते हैं, कैसा है, बैठ के देखते हैं किस तरह से क्या एक वाइब्स मिलती है क्या हमें स्टेशन वाली। एक स्टेशन वाली आपको वाइब्स मिलती है, देख सकते हैं, एक आपको स्टेशन वाली वाइब्स मिलती है। तो मिक्कू जाएगा ये वाली ट्रेन में, और ये इस तरह का जो है गेट दे रखा है, फाटक दे रखा है। ये है ऑरेंज सिटी एक्सप्रेस, ऑरेंज इसलिए तो नागपुर ऑरेंज। बेटा आप जा रहे हो, मैं आपको छोड़ना है स्टेशन पर, ठीक है आप जाओ, जल्दी आओ। पहले तो देख लेते हैं ट्रेन में जगह है कि नहीं। ट्रेन में शायद तक ट्रेन हो गई है फुल,
अब हम नेक्स्ट और नेक्स्ट बैठेंगे, देखते हैं। ये ऑरेंज एक्सप्रेस में आप देख लीजिए इस तरह से रिजर्वेशन हो चुका है इन लोग का, मिक्कू सैम और मिक्कू सैम की मॉम का। तो ऑरेंज सिटी एक्सप्रेस पहले जो है वो 0 माइल का स्टेशन वहाँ पे आएगा, उसके बाद ये लोग घूम के इस तरह जाएगी गाड़ी। और तो ये ऑरेंज सिटी एक्सप्रेस तो जैसा नाम वैसा काम मुझे ऐसा लग रहा था। तो देखिए कितनी तेज़ी से आती हुई ये आ रहे हैं ड्राइवर साहब गाड़ी लेकर। स्टेशन वहाँ पे है और ये रहे मिक्कू सैम और मिक्कू सैम की मॉम, और गाड़ी अपनी चरण सीमा पर आते हुए। सारे बच्चे खुश और बड़े भी खुश। आप देखिए आ गई। हाँ भाई कुली उली चाहिए किसी को? हाँ भाई कुली 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 चाहिए, कुली चाहिए किसी को? तो एक छोटा सा मैंने एक जोक का परमानेंट जूस चाहिए। अरे सबसे बड़ा सामान चाहिए रहा। सीता बल्ली जो मैंने कोशिश करी यहाँ पर, और मिक्कू सैम को मज़ा आ गया। और इसी के साथ हम लोग चलिएगा गाइस, तो इसी के साथ मैं व्लॉग को एंड करता हूँ।